बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी में जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे है। तो लास्ट टाइम हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे है। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिफाइन किया जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि किस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो वर्क करता है। देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आगे फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन कौन सी स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाती हैं, तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा। एंड एट द एंड आपको एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कहाँ कहाँ पे जो है वो इसके कहाँ कहाँ हम इनको इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रोस्कोप दैट यूजेज अ बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। तो किसी चीज़ को रोशन करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसे बेसिकली हम देख रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसको जो है वो एल्यूमिनेट करने के लिए जो हम सोर्स यूज़ करेंगे वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने जो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन था वो हमारा वो लाइट थी, लाइट बल्ब था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन। दिस इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप having a high resolution of image, able to magnify the objects in nanometers, which are formed by controlled use of electron in vacuum created on a phosphorescent screen. तो basically जो है ये special microscope है जो कि जिसकी जो हम resolution power है बहुत high है, और इसके ज़रिए हम जो nanometer में objects हैं उनको भी हम magnify कर सकते हैं by using controlled electrons in a vacuum. तो एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिसमें जो है कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए हम नैनोमीटर के ऑब्जेक्ट्स को भी मैग्नीफाई कर सकते हैं, और एक देन एक स्क्रीन पे जो है उसका इमेज जो है वो इमेज उसका एक स्क्रीन पे ये देखा जाता है जिसे हम फॉस्फोरिसेंट स्क्रीन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर की, अर्नेस्ट रुस्का इन 1906 टू 1988, अ जर्मन इंजीनियर एंड एकेडमिक प्रोफेसर, बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1931। तो अर्नेस्ट रुस्का जो कि एक जर्मन इंजीनियर था और एक प्रोफेसर भी था, उसने 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था वो बिल्ट किया या डिस्कवर किया। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये काफ़ी हैवी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कम्प्लेक्स है, और साइज में भी ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ी है। देन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गन जनरेट द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गन होती है जो जनरेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। टू सेट्स ऑफ कंडेंसर लेंस फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्पेसिमन एंड देन इनटू अ थिन टाइट बीम। तो इसमें दो कंडेंसर लेंस लगे होते हैं जो कि फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन, तो उन इलेक्ट्रॉन उन जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको जो है कंडेंसर जो है वो सेट करते हैं और फोकस करते हैं ऑन स्पेसिमन, और उसको एक स्पेसिमन पे जो है जो हमारा ऑब्जेक्टिव जिसे हमने देखना हो उस पे जो है वो फोकस कराते हैं।
टू मूव इलेक्ट्रॉन डाउन द कॉलम द एक्सेलरेटेड वोल्टेज मोस्टली बिटवीन 100 किलोवाट टू 1000 किलोवाट इज अप्लाइड बिटवीन टंगस्टन फिलामेंट एंड एनोड. तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए जो है जो वोल्टेज यूज होता है वो बेसिकली 100 किलोवाट से 1000 किलोवाट जो है वो अप्लाई किया जाता है टंगस्टन फिलामेंट एंड एनोड पे. तो उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होते हैं. द स्पेसिमन टू बी एग्जामिन्ड इज मेड एक्सट्रीमली थिन एट लीस्ट टू टाइम्स थिनर देन दोज यूज्ड इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. तो जिस जो इसमें स्पेसिमन है जो हमने एग्जामिन करना है तो उसको जो है वो एक्सट्रीमली थिन कर दिया जाता है एट लीस्ट 200 टाइम्स. उसे 200 गुना जो है वो थिनर होता है एज कम्पेयर टू दोज इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट की निस्बत जिसे हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हमने देखना है. तो उसकी निस्बत जो है वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ हो रहा है वो 200 टाइम्स थिनर होगा. अल्ट्रा थिन सेक्शंस ऑफ 2200 नैनोमीटर आर कट विच इज़ ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन द स्पेसिमन होल्डर. तो जो सेक्शंस जो ऑब्जेक्ट होता है उसके सेक्शंस काटे जाते हैं और उसको जो है वो स्पेसिमन होल्डर पे रखा जाता है. द इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू द स्पेसिमन. इलेक्ट्रॉन बीम जो थी जो जनरेट हुई थी ऊपर से वो उस ऑब्जेक्ट या उस स्पेसिमन से जो होगी वो पास आउट होगी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड. और इलेक्ट्रॉन जो होंगे जब उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरेंगे तो स्कैटर्ड होंगे डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेसिमन. तो वो जो स्कैटर्डनेस है या स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड होंगे तो वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की कितनी थिकनेस है. अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्कैटर्ड करेंगे, अगर कम होगी तो कम स्कैटर्ड करेंगे और मोस्टली जो होंगे वो पास आउट हो जाएंगे. और उसके अलावा इंडेक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेसिमन तो उनके जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैं या थिकनेस है उस पर जो है वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड होते हैं. द डेंसर रीजन इन द स्पेसिमन स्कैटर्ड मोर इलेक्ट्रॉन. तो जो डेंसर रीजन होगा स्पेसिमन का वो मोर इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करेगा एंड देयरफॉर अपीयर डार्कर इन द इमेज. और इसलिए जो होगा वो इमेज में ज़्यादा डार्क जो है वो नज़र आएगा. फ्यूअर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एरिया ऑफ द स्क्रीन. सिंस फ्यूअर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एरिया ऑफ द स्क्रीन. इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा तो स्कैटर्ड हो जाएंगे और कम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्ट्राइक करेंगे द एरिया ऑफ स्क्रीन. इन कंट्रास्ट द ट्रांसपेरेंट रीजन आर ब्राइटर. और जो ट्रांसपेरेंट रीजन होगा वो ब्राइटर होगा. द इलेक्ट्रॉन बीम कमिंग आउट ऑफ द स्पेसिमन पासिस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस विच हैज हाई पावर एंड फॉर्म्स द इंटरमीडिएट मैग्निफाइड इमेज. द इलेक्ट्रॉन बीम कमिंग आउट ऑफ द स्पेसिमन. तो स्पेसिमन से जो इलेक्ट्रॉन बीम पास आउट हो जाएगी टू द ऑब्जेक्टिव लेंस विच हैज़ हाई पावर एंड फॉर्म द इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज. तो जो पास आउट हो जाएंगी वो एक मैग्नीफाइड और इंटरमीडिएट जो होगी इमेज जो उसका जो होगा इमेज वो क्रिएट होगा. तो ऑक्युलर लेंस देन प्रोड्यूस द फाइनल फर्दर मैग्नीफाइड. देन ऑक्युलर लेंस जो है वो फाइनल मैग्नीफाइड इमेज जो होगा वो प्रोड्यूस करेंगे. देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद डिफरेंट ऑपरेटिंग स्टाइल्स. तो डिफरेंट ऑपरेटिंग स्टाइल्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं. द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकंड टाइप जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. तो फर्स्ट टाइप जो है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकंड टाइप जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि एक जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और दूसरी जो है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. तो इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपके सामने है कि किस तरह से जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह से एक ऑब्जेक्ट पे जो है इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और किस तरह से फर्दर उसको जो है टारगेट किया जा रहा है या उसको जो है मैग्नीफाई किया जा रहा है और उसमें जो है वो फाइनल ऑब्जेक्ट पे जो है वो ऑब्जेक्ट पे फोकस की जाती है और उसका इमेज जो है वो देखा जाता है. तो पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गन इसका जो बेसिक पार्ट है या जहां से जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन गन है. इलेक्ट्रॉन गन इज अ हीटेड टंगस्टन फिलामेंट विच जनरेट इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली जो है वो एक टंगस्टन फिलामेंट है. जब उसको हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा उस पर जो है वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ होती हैं जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फोकस करती हैं या उनको जो है एक लाइन में जो है वो
लाते हैं। देन कंडेंसर लेंस फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम, देन कंडेंसर लेंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो फोकस करते हैं ऑन द स्पेसिमन। तो स्पेसिमन पे जो है हम फोकस करने वाले वो कंडेंसर लेंस हैं। सेकेंड कंडेंसर लेंस फॉर्म द इलेक्ट्रॉन इंटू अ थिन टाइट बीम। अ सेकेंड कंडेंसर लेंस जो है वो फॉर्म द इलेक्ट्रॉन इंटू अ थिन टाइट बीम। तो दूसरा जो कंडेंसर लेंस है वो इलेक्ट्रॉन बीम्स को जो है वो फोकस करता है और सबको फोकस करता हुआ एक ही जो है वो डायरेक्शन में या एक ही जो है वो टाइट थिन टाइट बीम बनाता है उसकी। द इलेक्ट्रॉन बीम कमिंग आउट ऑफ द स्पेसिमन पास डाउन द सेकेंड मैग्नेटिक कॉइल्स कॉल द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फोकस की जाती है वही टाइट थिन टाइट बीम जो है वो स्पेसिमन से पास आउट की जाती है, और जब वो पास आउट होती है तो नीचे स्पेसिमन से पास आउट होने के बाद सेकेंड जो मैग्नेटिक कॉइल्स हैं उन पे जाकर वो गिरती है, और सेकेंड मैग्नेटिक कॉइल्स जो है कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस विच हैज़ हाई पावर एंड फॉर्म द इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उन्हीं रेज को जो है वो कैप्चर करता है और उनका जो है इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। देन द थर्ड सेट ऑफ मैग्नेटिक लेंस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टर और ऑक्युलर लेंस प्रोड्यूस द फाइनल फर्दर मैग्नीफाइड इमेज। और थर्ड सेट जो मैग्नेटिक लेंस का है जिसे हम प्रोजेक्टर कहते हैं या ऑक्युलर लेंस कहा जाता है वो फाइनल और फाइनल फर्दर मैग्नीफाइड फाइनल जो है मैग्नीफाइड इमेज वो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ईच ऑफ दीज लेंसेज एक्ट एज एन इमेज मैग्नीफायर। इन अब जो लेंस ऊपर बताए गए हैं इनमें हर एक लेंस जो है वो एक्ट करता है एज अ इमेज मैग्नीफायर। हर एक लेंस इमेज जो है वो बढ़ा रहा है। पहला जो लेंस है वो इमेज को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं मैग्नीफाई करते हैं, और दूसरे जो लेंस हैं वो उससे ज़्यादा, और थर्ड वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो मैग्नीफाई करते हैं। वाइल मेंटेनिंग एन इनक्रेडिबल लेवल ऑफ डिटेल एंड रेजोल्यूशन। और उसके अलावा इसमें जो है वो मेंटेन भी रखते हैं कि जो इमेज है उसको मैग्नीफाई करने के अलावा उसके जो पिक्सल हैं या उसकी जो डिटेल है या उसकी रेजोल्यूशन है उसको भी मेंटेन किया जाता है। देन स्पेसिमन होल्डर है, द स्पेसिमन होल्डर इज एन एक्सट्रीमली थिन फिल्म ऑफ कार्बन हेल्ड बाय अ मेटल ग्रिड। तो स्पेसिमन होल्डर बेसिकली जहाँ पे हम अपना स्पेसिमन रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, तो उसको जिसके ऊपर रखेंगे उसको स्पेसिमन होल्डर कहते हैं, जो कि एक एक्सट्रीमली थिन फिल्म ऑफ कार्बन है हेल्ड बाय मेटल ग्रिड, और साइड पे जो है वो मेटल ग्रिड लगी होती है जो कि स्पेसिमन को होल्ड करती है। देन इमेज व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। देन फाइनल जो है इमेज, द फाइनल इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन अ फ्लोरिसेंट स्क्रीन। तो फाइनल इमेज जो है वो बनता है आफ्टर मैग्नीफिकेशन, उसको मैग्नीफाई किया जाता है, और फाइनल जो इमेज है हमारा उसको एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे जो है वो प्रोजेक्ट उस पर गिराया जाता है, और फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे जो है वो हम फाइनल इमेज देखते हैं। बिलो द फ्लोरिसेंट स्क्रीन इज अ कैमरा, और फ्लोरिसेंट स्क्रीन के नीचे कैमरा होता है जो कि कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग द इमेज, जो कि इमेज को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक स्पेसिमन इंक्लूडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। देन बायोप्सी सैंपल्स मेटल्स एंड क्रिस्टल्स। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो यूज़ है वो हम करते हैं टू इन्वेस्टिगेट अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो बिल्कुल ही छोटी स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखने के लिए जिनमें हमारे पास बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक स्पेसिमन आते हैं, इन बायोलॉजिकल या इनऑर्गेनिक स्पेसिमन में फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बायोप्सी सैंपल्स हैं, मेटल्स हैं एंड क्रिस्टल्स। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर ऑफन यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड फेलियर एनालिसिस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंडस्ट्री में जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है, और फेलियर एनालिसिस, और अगर कोई एनालिसिस जो है उसको करना है तो बाकी अगर वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या किसी और उसमें जो है वो उसको उसमें नज़र नहीं आ रहा या उसमें जो है उसका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, तो उसको जो है हम देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए उस एनालिसिस को हम कंप्लीट करेंगे। देन मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यूजिंग स्पेशलाइज्ड डिजिटल कैमराज एंड फ्रेम टू कैप्चर द इमेज।
ग्रैबर्स टू कैप्चर द इमेज। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ की जाती हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन ग्राफ। तो उससे इलेक्ट्रॉन ग्राफ भी हम जो है ड्रा कर सकते हैं यूजिंग स्पेशलाइज डिजिटल कैमराज। उसमें डिफरेंट डिजिटल स्पेशलाइज डिजिटल कैमराज लगे होते हैं एंड फ्रेम्स और फ्रेम्स लगे होते हैं जो कैप्चर करते हैं इमेज को, और उससे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ भी बनाया जा सकता है। देन साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इट्स डिवेलपमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसकी जो डिवेलपमेंट है या उसकी जो है डिस्कवरी है तो वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी पे। तो सबसे पहले जो था वो सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। देन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरीज होती रही और इनमें जो है वो एडवांस माइक्रोस्कोप डिस्कवर होते रहे, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, देन एट द एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो इसने जो है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट की और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन वायरोलॉजी का हमारा जो सेक्शन है, वायरोलॉजी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सारा जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही जो है वो वायरसेस जितने भी थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए डिस्कवर हुए। और एक वायरोलॉजी एक पूरा जो है एक सब्जेक्ट की जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप की वजह से हुई। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस हैव मेड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज वेरी इफेक्टिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया गया लाइक बैक्टीरिया वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस, और इसमें जो है वो ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्टिव, ट्रीटमेंट में काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई और डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए काफ़ी डिजीज़ को जो है वो अच्छी तरह से ट्रीट किया गया। जब उसका पैथोजन आइडेंटिफाई हुआ और आइडेंटिफाई हुआ थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इस तरह से डिजीज़ की जो थी ट्रीटमेंट उसमें जो है काफ़ी डेवलपमेंट लाई गई थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिफाइन किया, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हमने वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया, देन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस प्रिंसिपल पे जो है ये पार्ट्स या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काम कर रहा है। देन इसकी टाइप्स देखें, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये डिस्कस किए, एंड एट द एंड जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ है और किस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।